अस्सलाम वालेकुम। हम उस जगह पर आए हैं जो कि बाकू से तकरीबन 30 मिनट की ड्राइव है, और ये वो जगह है जहाँ ये कहते हैं कि 3-4 हज़ार साल से ये आग है, ये जल रही है। तो जैसा कि आपको बताया गया है, ये तो ऑयल की लैंड है, यहाँ तो मकानों से भी तेल निकलता है। और इस बात पर कि जिस तरीके से पाकिस्तान में बाप का मीटर रिवर्स लग जाता है ना, कि आप बिजली खुद सोलर से बनाएं और उसके बाद गवर्नमेंट के पूल में डाल दें, इस तरीके से यहाँ जिन घरों से तेल निकला है तो उनको एक गवर्नमेंट पाइप दे देती है और एक मशीन लगा दें आप, और लगा के एक बात जाती है पाइप में वो देते जाए और उसका जो रॉयल्टी है और रेवेन्यू आपको मिलता रहेगा। तो ये अल्लाह ही जानता है। ये कहते हैं कि ये आग जो है ये 3000 साल से जल रही है, और अंदर ऑब्वियसली कोई नेचुरल सोर्स है इसके अंदर जिसकी वजह से जल रही है, और फिर ये आग जो है इसको बुझाने की जितनी भी कोशिश की गई आग नहीं बुझती। यहाँ स्नो भी पड़ती है, यहाँ बारिशें भी होती हैं, कवर करके अगर आग नहीं बुझती। इसके पीछे ना एक थोड़ी सी स्टोरी भी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो है ये शायद पहले यहाँ आतिशबाज लोग रहते थे, तो इसलिए उनका एक तकद्दस भी इसके साथ है, रूहानियत। लेकिन मैंने जब यहाँ के लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिस ज़माने में हमें जुल्म होता था और हम जुल्म में उन लोग सर्दियों में आग के गिर्द बैठ कर दुआ मांगते थे, और वो ये कहते थे कि जिस तरह आग ऊपर की तरफ उठ जाती है तो इस तरीके से दुआ भी ऊपर उठ के जाती है। तो इसलिए इसके साथ एक तकद्दस भी अटैच है। अगर ये अब एक हिस्टोरिकल मिथ है इस वक्त साइंसी उसके अंदर, तो ये बाहर निकल, ये देखिए निकल रहा है, कोई इसका सोर्स अंदर से ही है, कोई और किसान और जिस सोर्स की वजह से ये आग जल रही है। तो ये समझते हैं कि ये हमारे जॉर्जिया के थ्रू फिर पूरी दुनिया के अंदर जाता है। ये आप देख लीजिए जरा, ये देखिए क्लोजअप के लिए जगह है। आज तक होते ना कभी बुझी हो? हाँ, 3000 साल से ये आग बुझी ही नहीं है, ये मुसलसल चलती जा रही है। उन्होंने बताया ना कि एक टेम्पल है, उस टेम्पल के अंदर भी जल रही है, लेकिन बाद में जब ये कटाई वटाई की गई सारा, तो उसका जो कहीं से भी अंदर से उधर से डिस्कनेक्ट हो गया, अब उसने उसको सेरेमोनियली एक आर्टिफिशियल पाइप से ऑन कराई। ये देखिए, ये इसका दूर से मंज़र है, और नीचे आपको आग नज़र आ रही है, और फिर इन्होंने इसको एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पर डेवलप कर लिया है, साथ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, बैठने के लिए एक स्टेज बना ली है। ये देखिए, तो यहाँ डिफरेंट और चीज़ें भी ये ज़रूर करते होंगे। तो देखिए, इनकी रेवेन्यू जनरेट होता है। मैं ये सोच रहा था कि पाकिस्तान में और भी बहुत सी ऐसी अट्रैक्शंस हैं जिनको अगर हम टूरिस्ट फ्रेंडली बना दें तो ना सिर्फ हमारा इंट्रोडक्शन पूरी दुनिया में बहुत पॉजिटिव जाएगा, बल्कि हम बहुत सा रेवेन्यू भी जनरेट कर सकेंगे। तो ये वो जगह है जी।